एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके हैं। ये वीडियो है रिलेटेड टू एयर स्प्रेटर। हम एचवीएसी में एयर स्प्रेटर का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अगर हम एयर स्प्रेटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, उसके अलावा एयर स्प्रेटर कैसे काम करता है, इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और हम इसको किस जगह पे इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो में आपको, और इनकी टाइप्स कितनी होती है इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों एयर स्प्रेटर, जैसे इसके नाम है वाजिया है, इसके नाम से वाजिया है, एयर स्प्रेटर यानी कि हवा को अलहदा करने वाला, हवा को अलहदा करने वाला। अब ये हवा किस में से अलहदा करता है, ये आपको पता है कि एचवीएसी सिस्टम में हम जो चिल्ड वाटर होता है, क्लोज साइकिल जिसको बोलते हैं, चिल्ड वाटर लाइंस, उसके अंदर जो एयर आ जाती है आपकी, चिल्ड वाटर में जो आपकी एयर मिक्स हो जाती है यानी कि वाटर के अंदर आपकी एयर मिक्स हो जाती है, उस एयर को निकालने के लिए हम एयर स्प्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं, अगर हम इसको इंस्टॉल नहीं करते तो हमें क्या नुकसान होता है। आपको पता है कि जो चिलर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक फ्लो चाहिए होता है कि इसको इतना वाटर फ्लो चाहिए, अगर हम उसको उतना फ्लो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका चिलर पहली बात तो वो आपका ऑन नहीं होगा, अगर उसमें फ्लो मीटर लगा हुआ है वाटर इनलेट पे तो फिर वो आपका चिलर ऑन नहीं होगा। अगर आपका चिलर ऑन हो भी जाता है उसमें थोड़ा बहुत फ्लो कम है तो फिर क्या होता है कि आपका चिलर प्रॉपर एफिशिएंसी जो उसके पैरामीटर है उसमें आपका डिफरेंस शो हो जाएगा। उसके अलावा आपके पंप के लिए भी जाहिर सी बात है, जो आपका पंप होता है चिल्ड वाटर पंप, वो आपके वाटर की डिजाइनिंग के ऊपर होता है, अगर आपके वाटर नहीं आएगा उसमें तो वो आपके एयर को पंप करेगा, तो एयर को जब पंप करेगा तो आपका पंप डैमेज हो सकता है। तो ये इसमें डिसएडवांटेजेस हैं आपके पंप, और उसके अलावा इसके अगर सिस्टम में एयर है तो आपकी कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी, आपका प्रॉपर आपका वाटर सर्कुलेशन भी नहीं होगा। तो इस मकसद के लिए अगर चिल्ड वाटर की लाइनों में आपकी एयर आ जाती है तो उस मकसद के लिए हम एयर सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं एयर सेपरेटर के मेन पार्ट्स और ये काम कैसे करता है और इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ये आपके सामने मैंने एक एयर सेपरेटर ये बनाया, एक ये एयर सेपरेटर बनाया और ये इसकी वर्किंग को समझे कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसकी डिजाइनिंग डिफरेंट हो सकती है, इसमें सेंट्री वर्टिक्स टाइप भी है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप्स भी है और इनलैंड टाइप भी है, उसके बाद ये स्टीनलेस टाइप ये भी। अब इसकी वर्किंग है, इस जो मैंने ये मुझे प्रॉपर, अब ये आप देख रहे हैं ये मैंने एयर सेपरेटर बनाया है, ये जो है कंप्लीट आपका एयर सेपरेटर है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं ये आपके देख रहे हैं, ये वाटर इनलेट पॉइंट है, ये इसकी वाटर आउटलेट पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर एक स्टीनलेस स्टीन का स्टेनर हमने इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर हमने एक एयर वेंटर इस्तेमाल किया है, नीचे हमने एक ड्रेन पॉइंट रखा हुआ है, जो पानी इस टैंक से अगर खाली करना है तो आप इस ड्रेन पॉइंट को खाली, उस बैफल है और इसका एक ड्रेन पॉइंट है। इसके अलावा इसके आप प्रेशर गेज वगैरह भी लगा सकते हैं, एयर के प्रेशर की गेज भी लगा सकते हैं, वो आप अपनी फैसिलिटीज के लिए जो भी इसमें इक्विपमेंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक चीजें हैं इसके अंदर। अब जब पानी आपका ये फ्रॉम बिल्डिंग ये फ्रॉम बिल्डिंग लाइन आ रही है यानी कि बिल्डिंग से जो आपका रिटर्न, आपने इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, आपने इसको पंप की जो सक्शन है यानी कि आपके जो पंप में पानी आना है उस लाइन में आपने इसको इस्तेमाल करना है ताकि आपके पंप में भी एयर ना आए। अगर आप इसको यानी कि पंप की आउट पे कर लेंगे तो फिर क्या होगा, पंप के आपका पंप में अगर एयर आ जाती तो आपका पंप खाली चलेगा, इसलिए आपने इसको पंप से जो पंप की इनलेट है यानी कि पंप की सक्शन लाइन है आपने इसको वहां पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये हमने इसको पंप की सक्शन लाइन पे इंस्टॉल कर दिया। इसके अंदर एक स्टीनलेस स्टील की स्टेनर है, एक एयर वेंट है, एक बैफल है और इसका एक ड्रेन पॉइंट है, ये इसकी आउटलाइन है, ये इसकी इनलेट है। अब पानी जब इस स्टीनलेस स्टील ये फ्रंच से एंटर होगा, ये फ्रंच के अंदर आपका पूरा एक स्टेनर लगा हुआ है, जब पानी आपके स्टेनर से गुजरेगा तो वो आपका पानी छन्नी होगा, वो पानी आपका अलग से
यानी कि उस पानी में जो एयर होगी ना वो आपकी पानी से अलहदा हो जाएगी, यानी कि वो एक लाइन की वजह से खुली जगह पे आ गया। जब वो खुली जगह पे आके उसको स्ट्रेनर से निकलेगा, स्ट्रेनर के ऊपर आपको पता है कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब उनमें से पानी निकलेगा तो वो छन्नी हो जाएगा पानी, उसमें जो एयर होगी वो आपकी टॉप पे चली जाएगी, क्योंकि एयर जो होती है वो आपकी टॉप पे हो जाएगी, पानी होगा वो नीचे गिरेगा, पानी नीचे की साइड पे, बॉटम की साइड पानी का एक वेट होता है, तो क्या होता है कि पानी आप नीचे गिरेगा, एयर आपकी अपसाइड पे चली जाएगी। अब इसका जो वेंट है वो आपका ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। ऑटोमेटिक कैसे ऑपरेट, अब एयर इसमें जमा होना शुरू हो गई, जमा शुरू हो गई एयर, अब पीछे से पूरी बिल्डिंग से प्रेशर होता है चिल्ड वाटर की लाइनों का, तो जब इसके अंदर एयर का प्रेशर एक हद से बढ़ जाएगा तो आपका जो एयर वेंट होगा वो आपका ऑटोमेटिक इसमें से एयर को निकाल देगा। ये तो हो गया एयर वेंट का काम। अब इसमें अंदर एक बैफल भी लगाया है हमने, ये बैफल लगाने का क्या मकसद है, इस बैफल को लगाने का ये मकसद है कि जब आपका पानी नीचे गिर रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एल टाइप बैफल का इस्तेमाल किया है। एल टाइप बैफल का क्यों इस्तेमाल किया, एयर आपकी अपसाइड पे चलेगी, पानी आपका नीचे की साइड पे गिर रहा है, जब आपका पानी नीचे गिरेगा बॉटम में तो पानी की जाहिर सी बात है गिर रहा है, पानी का एक वजन है तो पानी के लेवल के अंदर वेरिएशंस आएंगी, पानी के लेवल के अंदर वेरिएशंस आएंगी। अब पानी के अंदर क्योंकि हमने इसकी जो आउटलाइन है वो डाउन साइड भी है, ये आप देख रहे हैं इसके बॉटम में वो इसकी जो आउटलाइन है इस एयर स्प्रेटर की पंप की ये इनलाइन है, जब वो बॉटम पानी के लेवल के अंदर आपकी वेरिएशंस आएंगी, जब पानी नीचे जाएगा, पानी का लेवल इधर से अब भी हो सकता है नीचे, जैसे पानी के लेवल के अंदर वेरिएशंस आएंगी तो यहां पे अगर हमने वेफल्स इस्तेमाल नहीं किए तो ये जो इस टैंक के अंदर तो एयर मौजूद है वो आपकी दोबारा इस लाइन के अंदर जा सकती है। इस बैफल्स का इस्तेमाल करने का क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि पानी जब ऊपर से गिरे तो वो स्मूथली नीचे डाउन साइड से, क्योंकि ये एल बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये हमने इसके अंदर एल बनाया हुआ है इस टाइप का, ये यहां पे इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये पानी स्मूथली डाउन साइड से आपका इस पानी में चला जाएगा, इस लाइन में चला जाएगा, पंप की सक्शन में चला जाएगा। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो पानी आपका यहां से अप साइड भी जाना शुरू हो सकता है कि फिर जो टैंक में एयर है वो आपकी इस लाइन के अंदर चली जाए। अब तो ये तो हो गया इस लाइन इसके अंदर यानी कि इसकी वर्किंग। अब इससे नेक्स्ट है इन लाइन आपका जो एयर सेपरेटर है, अब इसके अंदर भी सेम यही सीक्वेंस है कि आपकी लाइन्स अप डाउन नहीं है, ये इन और आउट लाइन फेस टू फेस है, लेकिन आपकी स्ट्रेनर है जो वो आपका अप साइड पे है। पानी यहां से इन हुआ, पानी जब यहां से इन हुआ तो वो पानी स्ट्रेनर से निकलेगा बाहर आएगा, क्योंकि पीछे से पानी का प्रेशर है, तो जब वो बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, उसमें से जो एयर होगी वो आपकी टॉप से आपके एयर स्प्रेडर की मदद से निकल जाएगी और जो पानी होगा वो आपका इस लाइन के जरिए आपका चला जाएगा। अब इससे नेक्स्ट एक और है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप एयर स्प्रेडर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दायरे से हट के जोर फोर्स को यूज होती है, यानी कि आपकी जो फोर्स है वो दायरे के इर्द गिर्द जोर लगाती है। अब इसको गौर करें, इसकी लाइन तो अपसाइड पे है, इन लाइन आपकी अपसाइड पे है और डाउन लाइन आपकी जो आउट लाइन है वो डाउन साइड पे है। इसको हमने यहां पे तो डायरेक्ट हमने इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन इसकी जो कमीशनिंग है, जो फिटिंग है वो इस तरीके से होगी। ये आप देख रहे हैं, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका, ये कौन सा व्यू है आपका, ये अपसाइड व्यू है, ये आपका साइड व्यू है और ये अपसाइड ऊपर की साइड से व्यू है, समझ लें। अब जो पानी यहां से आएगा तो पानी यहां से जब आएगा, यहां से ये इन हो रहा पानी, तो ये पानी यहां से इस दीवार के साथ आपका घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी का प्रेशर है वो यहां से घूमना शुरू कर देगा, जब यहां से घूमना शुरू हो जाएगा ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगी पानी की। जाहिर सी बात है इस तरह रोटेशन में पानी आएगा तो जहां तक आने में, यानी कि ये इसकी आउटलाइन है, जहां पर जब पानी आएगा तो जब इसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाई तो इसमें जो एयर होगी वो सेंटर से उठेगी, वो आपकी ऊपर से एयर वेंट की मदद से आपकी गुजर जाएगी और जो पानी होगा वो घूमता हुआ आपका वो इस लाइन के जरिए, यानी कि इस लाइन के जरिए आपका एयर सेपरेटर टैंक से बाहर चला जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी मेन टाइप्स, इसकी और भी तरह के होते हैं सेपरेटर्स, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो ये। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है ज्यादा वो इसके स्ट्रेनर के चोक होने की होती है, इससे बेहतर है कि आप इसकी जो इनलेट है इसके बाहर आप एक स्ट्रेनर का यूज कर लें ताकि आपका ये स्ट्रेनर महफूज रहे, तो फिर आपका स्ट्रेनर ये खोलने की जरूरत नहीं। अब इसको भी खोल सकते हैं, इसकी भी सर्विस कर सकते हैं, ये हमने एक फ्लंच लगाया हुआ है इससे आगे। तो ये थी
ये जब पानी स्ट्रेनर हो जाएगा, इससे एयर निकल जाएगी, एयर सेपरेटर सेपरेट हो जाएगी, तो ये फिर आपका आएगा पंप, ये पंप इसकी डिस्चार्ज लाइन है, ये पंप इसको दोबारा चिलर में भेजेगा, चिलर की आउटलाइन आपकी बिल्डिंग्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, आपकी एयर एयर सेपरेटर टैंक से निकलती रहती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।